आदरणीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय स्पीकर एवं सीपीए इंडिया जोन 3 के चेयरमैन माननीय श्री प्रशांत सोना जी, मेघालय विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री थॉमस संगमा जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के माननीय स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकरगण, मेघालय सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, इस रीजन की विधानसभाओं के माननीय सदस्य एवं अधिकारीगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है कि सीपीए इंडिया जो की तीसरी यहाँ पर यह 20वीं कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ग्रेसियसली होस्ट करने के लिए मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब को बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ की सरकार और अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और ये इतना सुंदर प्रदेश है कि हम सबका यहाँ रुकना बहुत ही आनंद से भरपूर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो देश के हमारे पूर्व स्पीकर और सिर्फ मेघालय के या अरुणाचल मेघालय की राजनीति के बड़े दिग्गज नहीं, देश की राजनीति के दिग्गज पीएस संगमा साहब की याद आ रही है। इस सीपीए या कॉमनवेल्थ चैप्टर को हिंदुस्तान में और इस रीजन में बढ़ाने में उनका उल्लेखनीय योगदान तो रहा ही, पर सदन के संचालन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने बहुत एक नया तौर तरीका जो हम सब के लिए अपनाया देखा, आज भी प्रेरक है। मेघालय दरअसल हिंदी में दो शब्दों से बना है, मेघ और आलय, यानी इट मींस द एबोड ऑफ क्लाउड्स। गुवाहाटी से शिलोंग तक की यात्रा और बगल में उमियम झील को देखना, सचमुच इसके प्राकृतिक सौंदर्य को जानना और मनोहर पूर्ण दृश्यों को देखना इस राज्य में आने से पहले ही एहसास कराती है कितना सुंदर राज्य है, प्रकृति ने कितना बेहतर बनाया है। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, उनका विजन और जिस तरीके से अनेक योजनाएं केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। मैं दशकों से डिकेड से मैं नॉर्थ ईस्ट आता रहा हूं, पर पिछले 14 के बाद जो बड़े चेंजेस हमें इस इलाके में देखने को मिलते हैं वो बड़े रिमार्केबल हैं। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सुना भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बाहर नई असेंबली कैसे यहां बन रही और अनेक अर्बनाइजेशन के इस कदर सुंदर ढंग से प्लान बन रहे हैं कि जिन हिली एरियाज में आप जाएंगे बड़े शहरों में अर्बनाइजेशन का संकट एक अलग तौर से दिखाई देता है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यहां जिस तरह की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सड़कों के निर्माण और अर्बन प्लानिंग की चीजें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से देश में नहीं दुनिया में जो हिली रीजन्स के बड़े शहर हैं जहां बहुत अधिक टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल होगा। द इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी टू शिलोंग बाय रोड वॉज अनइमेजिनेबल बिफोर। मैं पहले आया हूं माननीय स्पीकर साहब, लगभग जर्नलिस्ट के तौर पर 15-20 वर्ष पहले, गुवाहाटी से यहां आना बहुत अधिक समय लगता है, आज यह यात्रा बहुत सुगम हुई है, कुछ दिनों में और बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं सीपीए की नॉर्थ ईस्ट रीजन की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिसिएट श्री प्रशांत सोना जी एंड एवरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जोन who have taken initiative in keeping CPA Zone 3 among the most active regions in the Commonwealth Parliament India chapter. Consistently engaging in a constructive dialogue on various subjects is the basis of a strengthening democratic values and setting the path of progress ahead. Har sammelan mein remarkable cheez main aapko jo maine samjhaya bataun कि हर स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स ने बड़े बहुमूल्य सुझाव और योगदान दिया, हर स्पीकर ने दिया है, इनका असर होता है कि पॉलिसीज
इंप्लीमेंटेशन के दौरान एजेंडा सेट करने में रास्ता बहुत क्लियर होता है. इट रिफ्लेक्ट्स आवर कमिटमेंट टू फाइंडिंग कलेक्टिव सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर पीपल बोथ ऑन लोकल एंड नेशनल स्केल. इट इज नॉट जस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इवन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द कन्वर्सेशन वाइब्रेंट एंड मीनिंगफुल. इन मेनी ऑफ माई विजिट्स हियर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हैव डेडिकेटेड देयर वैल्यूएबल टाइम टू बी ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कन्वर्सेशन एज वेल. 2022 में ईटानगर में हुई कॉन्फ्रेंस में हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन की चुनौतियों और इंडिजीनियस पॉलिसीज को प्रमोट करने के विषयों पर चर्चा की. अर्ली दिस ईयर इन फरवरी एट गैंगटॉक कॉन्फ्रेंस वी डिस्कस्ड सिटीजन्स एंगेजमेंट अलोंग साइड चैलेंजेस फॉर यूथ सच एज ड्रग्स एब्यूज एंड साइबर बुलिंग. और यहां इन दो विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं. ये सारे विषय आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक, उन पे हम डिबेट करते हैं. आई कमेंड द ऑर्गेनाइजर्स दैट दीज टू टॉपिक्स हियर विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड नेचुरल डिजास्टर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी टू मेनलैंड इंडिया हैव बीन चोजन फॉर डिस्कशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस दैट आर फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. व्हाइल दीज अपीयर एज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे आर बाउंड बाई ए कॉमन क्वेश्चन दैट लूम्स लार्ज फॉर इंडिया एज वेल एज द इंटायर वर्ल्ड. It is about the emphasis on economic growth and balancing it with protecting the biodiversity of the region. An unchecked and unregulated investment in exploiting the resources naturally has a negative impact through increased intensity of flood erosion and landslides. Among other such disasters, in many ways, sustainable development is the underlying thing. Northeastern region, देश के geographical area का लगभग 8% है. लेकिन भारत के फॉरेस्ट कवर का लगभग 20 to 25% द कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. देश को ऑक्सीजन का अगर कहें हार्ट तो ये इलाका है हमारा. व्हाइल वी कॉल फ्लड्स लैंडस्लाइड्स एंड साइक्लोन्स एज नेचुरल डिजास्टर बाय नाउ दैट देयर इज ए साइजेबल कंपोनेंट ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज दैट हैव लेड टू सम ऑफ दीज अनफॉर्सीन वेदर चेंजेज. These disasters not only cause physical damage but also deeply impact the social fabric and economic stability of communities. Furthermore, the rich biodiversity of the Northeast region with its unique and endemic flora and fauna suffers significant harm. Hum is monsoon mein natural disaster ko badhte hue dekhte hain. Yahi samay hai ki hum disaster management ke mudde ko aage ki challenge ke liye taiyar karne ke liye ek fresh outlook tay kare. I would like to mention, during the meeting with state ministers related to disaster management last month, Honorable Home Minister emphasized zero loss of life during natural disasters. Embracing the Honorable PM Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction can significantly enhance our nation's resilience and preparedness in the face of disasters. पूरे देश के स्तर पे डिजास्टर मैनेजमेंट में 2014 के बाद रिमार्केबल स्ट्रेटजी बनी है विद विजन इंपावरिंग लोकल कम्युनिटीज विद नॉलेज रिसोर्सेज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इज आल्सो क्रूशियल फॉर देयर सेफ्टी एंड रिजिलियंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. दो दीज एफर्ट्स वी कैन बेटर प्रोटेक्ट आवर पीपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेवेजेज ऑफ डिजास्टर्स फर्दर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज and natural disasters are even among the northeastern states as well, which calls for greater focus on state action plans. It is important to note that planning for disaster management is no more an isolated policy, but has to feature in the broader plans to tackle climate change in every state. While we have the concept of state action plans on climate change, this plan need to be regularly revisited to account for the latest scientific evidence. और आपने सुना कैसे साइंटिफिक और नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ इसरो वगैरह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है और वो आकार ले रही हैं. While the increasing frequency of natural disasters, it is imperative to plan the financing of climate action plans as well. मुझे यकीन है अगले दो दिनों में इन विषयों पर गहराई से चर्चा होगी. I am hopeful that the ideas shared by members here will spark further conversation among respective state governments as well.
मेघालय एन इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन होल्ड इमिनेंस कल्चरल ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाइल इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड्स आई वुड लाइक टू मेंशन अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देयर इज एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन मेकिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से उल्लेख किया मेघालय के संदर्भ में द गवर्नमेंट्स मेन फोकस हैज बीन ऑन एक्सपेंडिंग एंड अपग्रेडिंग रोड नेटवर्क्स फैसिलिटेटिंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एज ऑफ दिसंबर 2022 4,121 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड अनदर 7,545 किलोमीटर्स आर इन प्रोग्रेस पोजिशनिंग द नॉर्थ ईस्ट एज अ वाइटल गेट वे टू साउथ ईस्ट एशिया एडिशनली रेलवे एंड एयर ट्रेवल इन द रीजन हैव अंडरगॉन सब्सटेंशियल मॉडर्नाइजेशन एक्ट इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने जितना इंफेसिस यहाँ दिया है वो रिमार्केबल है और आने वाले दिनों में और अभी उसके परिणाम दिख रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान उड़े देश का आम नागरिक प्रायोरिटाइज इनहेंसिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी मेकिंग एयर ट्रेवल मोर एफोर्डेबल करेंटली 17 एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल इन दिस रीजन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 9 इन 2014 ऑलमोस्ट डबल रेलवे ए फ्यू ईयर्स बैक रेल कनेक्टिविटी टू द हिली टेरेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वॉज अनथिंकेबल ऑन द रेलवे फ्रंट आई एम ग्लैड दैट अलॉन्ग साइड द फोकस ऑन बेटर इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फाइंड्स ए स्पेशल मेंशन द रेलवे इन द लास्ट 9 ईयर्स है स्पेंड ओवर 50,000 करोड़ इन द रीजन द रेलवे इन द लास्ट 9 ईयर्स हैव स्पेंड ओवर 50,000 करोड़ इन द रीजन ऑन लेइंग न्यू रेलवे लाइन्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेज टनल्स एक्सेट्रा एंड हैज सैंक्शनड न्यू प्रोजेक्ट्स वर्थ नियरली 80,000 करोड़ दिस फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर Teacher has ensured that the capital connectivity project that aims to connect all Northeast state capitals is reality now. Early this year, the Ministry of Tourism also launched the Bharat Gaurav Train to promote tourism on wheels in this region. These infrastructure initiatives extend far beyond physical connectivity. They foster greater economic integration by bridging gap between regions and states. Providing businesses access to larger markets and new trade opportunities. This boosts commercial activity, attracts investment, and catalyzes the growth of ancillary industry and services, creating job opportunities and improving livelihoods. There is no doubt that greater decentralization and better planning at the state level are key to addressing the diverse challenges each state faces. For economic growth to sustain, we must ensure that there is sustained dialogue among stakeholders to maintain peace in all regions. Economic growth can only prosper in times of peace and certainty. This can only be ensured through political dialogues like these and better engagement with the citizens. Main plenary session mein participate karne aur honorable members ke vichar sunne ke liye bahut utsuk hoon. इस वाइब्रेंट रीजन की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कलेक्टिवली वायबल सॉल्यूशंस हम सब मिलकर ढूंढेंगे ये हमारा विश्वास है एज वी इम्बार्क ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप ड्यूरिंग आवर G20 प्रेसिडेंसी वी आर कमिटेड टू लिविंग नो रीजन अनटच्ड आवर विजन फॉर प्रोग्रेस इंक्लूड्स एवरी कॉर्नर ऑफ आवर बिलवेड कंट्री इंक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर वाइब्रेंट इंडिया आप सुनते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस अमृत काल में आने वाले 25 वर्षों का हमारा सपना क्या है निश्चित रूप से यह रीजन 25 वर्षों में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मॉडल बने मेरा विश्वास है हम सब मिलकर इस मौजूदा परिस्थिति में पॉजिटिव चेंजेज ला सकते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस डायलॉग से जो विमर्श से चीज़ें निकलती हैं उनको आगे ले जा सकते हैं मेरा विश्वास है ये दो दिन का कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतर तरीके से होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए बड़े सकारात्मक सुझाव मिलेंगे मैं आयोजकों का पुनः धन्यवाद आयोजन देता उन्हें धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद